इसकी राइड जो है बहुत ख़तरनाक हो गई है। ट्रैफिक लोग इतने ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है ना, मतलब क्राउड ही क्राउड दिख रहा है चारों तरफ, मतलब खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है। अरे फैन ऑन हो गया और बाइक के, आज मैं यहाँ से कुछ लेके जाऊँगा अच्छा सा, कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे ही जाएंगे। बाइक इसके आगे नहीं जा सकती, इसके आगे नहीं जा सकती बाइक। हाँ किधर पार्किंग? नो पार्किंग, वो तो नहीं कर रहे पार्क, हम पार्क तो नहीं कर रहे। तो होगा इस बाइक पीछे लगानी पड़ेगी, चलते हैं आप पीछे से। बाइक नहीं खींची जा रही है और मेरी मदद चाहिए। खींच तो रहा, मैं ही तो खींच रहा हूँ, तू क्या कर रहा है? ये हल्क सिर्फ नाम का है गाइस, इससे बाइक नहीं खींची जा रही अपनी। बंद कर बाइक, बंद कर दे, स्टैंड लगा दे, मत लगाना स्टैंड, मत लगाना, ये निकल जाएगी, गियर पे है, चल लगा दे। ब्रो 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 ब्रो, निकलो 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 ब्रो, बस दे दो। भाई इसकी ब्रेक खत्म आगे की, ओ गाइस इसकी ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लग रही है। इतनी इतना बेकार क्या कर दिया तूने इसको, क्या बुरा हाल है इसका? ओ भाई ये पत्थर, ये बहुत, मेरे को क्या बताऊं मैं, ये है ना। So guys, मैं क्या ही बताऊं इसका हाल, इसको चला के देखना ब्रो, महाजन जी आप इसको चला के देखना। मैं अपने ये निकाल लूंगा ना आपकी तरह, अपने ये नहीं निकाल लूंगा, मेरी वाइब्रेशंस, नो वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन तो चलो कोई बात नहीं, बट इसको चला के देखना एक बार। पावर पिकअप मतलब सब प्लेट साथ ही जली हुई है मेरी सर जी, इनसे कोई नहीं बह सकता। सो गाइस बाइक से यहाँ पे लगा दी है, ये मेरी ब्रूटल, ये अपनी रेड V3 ब्लैक वुल्फ, जगह नहीं मिल रही है। ओ भाई क्या हो रहा है, पत्थर पत्थर लगा दिया यहाँ पे, मेरी तो नहीं जाती, मेरी ABS वायर ड्यूक 200 की है। ओके सो लग सारी बाइक आ गई आराम से, अब चलते हैं नीचे। सो गाइस ये अपनी गैंग और ये टोटली खज्जल हो चुके हैं यहाँ पे आके, सो अभी जा रहे हैं हम वाटरफॉल देखने। मैं लाइफ में मतलब हूँ तो मैं कांगड़ा से ही, बट मैंने वाटरफॉल आज तक कभी भी नहीं देखा है, सो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ वाटरफॉल देखने, सो देखते कैसा है क्या है। सो हियर वी गो। लेट मी टेल यू वन थिंग, वाटरफॉल का जो रास्ता है वो वहाँ तक है, तो इतना दूर जाना पड़ेगा, और ये गार्ड्स मैं उतारने वाला हूँ अभी, बिकॉज गार्ड्स पहन के चलना थोड़ा सा मुश्किल है। ओ भाई भाई भाई, सो फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे थोड़ा सा ये पैदल चलने वाला दिख रहा है, सो काफ़ी दूर है, जाना तो पड़ेगा इतनी दूर आए हैं तो। ये लेना तेरे को? नहीं ले ले, छोटा बच्चा हूँ क्या? आए छोटी बच्ची है क्या? सो चलते हैं। सो गाइस हैव अ लुक, एंड चढ़ाई हम बहुत नीचे से आए हैं, वहाँ से आए हैं, सो फर्स्ट टाइम इतना पैदल चढ़ाई कर रहा हूँ मैं, ट्रैकिंग समझ लो एक टाइप का। सो गाइस कैसा हाल है, क्या हाल है, लेस हो गया ब्रो, आपने तो पानी पी लिया कैसा हाल है, पानी पी के कैसा लग रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, छेड़ी बच्ची है क्या? सो बाकी तो सही चले हुए हैं, बस थोड़े थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा दूर है अभी भी। सो चलते हैं, हाँ चले हैं, एंड फाइनली हम झरने के पास पहुँच चुके हैं, एंड यहाँ पे बहुत स्लिपरी जगह है, आराम से चलना पड़ेगा। चलो सांस चढ़ गई है गाइस, ओ भाई। सो ये है कुछ लोकेशन, वो झरना, आगे चलते हैं आगे से देखते हैं। तो गाइस ये भागसू का झरना, मुझे लगा था बहुत खतरनाक चीज़ होगी, बट ये छोटा सा ही है, मुझे लगा नायग्रा की तरह होगा, कोई बड़ा मतलब इतना होगा। ओ भाई साहब, सो यही था कुछ भागसू का झरना, अब वापस चलते हैं देख लिया कुछ खास तो है नहीं, दोपहरी का हाँ अब शक्ल दिख रही होगी, तो कुछ खास नहीं है यार, अच्छा नहीं लगा कुछ। जाओ नहाओ जाके मैंने कैमरा तोड़ देना, इतनी चढ़ाई जो करवाई है मेरे से आज।
गाइस, जब कभी प्लान ए काम नहीं आता तो प्लान बी काम आता है। अब प्लान बी ये है कि हम वाटरफॉल के भी ऊपर जाने वाले हैं, एडवेंचरस वाटरफॉल के ऊपर। सो वहां चल के देखते क्या होता है। सो गाइस, आर यू रेडी? यस ब्रो। आर यू रेडी? यस ब्रो। हल्क, आर यू रेडी? नो नो, हल्क रेडी नहीं है यार। हल्क को गुस्सा दिलाना पड़ेगा। हल्क गुस्सा कर। सो गाइस, हैव अ लुक ऑफ वाटरफॉल। एंड ये कुछ वाटरफॉल, एंड ये मैं वाटरफॉल नीचे रह गया। एक्चुअली ये पानी जो है वो सीधा वाटरफॉल में गिर रहा है, एंड वाटरफॉल के ऊपर ऐसी लोकेशन है कुछ, एंड यहाँ से जा रहा है पानी नीचे को। सो ऐसा है कुछ। सो यहाँ पे हम थोड़ी सी पार्कौर भी कर सकते हैं, लाइक दिस एंड दिस। थोड़ी सी पार्कौर करके दिखाता हूँ मैं, नीचे ना गिरूँ बस। वाह। सो ये है कुछ, वहाँ से मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया। सो यह कुछ लोकेशन, मतलब ब्यूटीफुल है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वाटरफॉल से अच्छा है आप ऊपर आ जाओ, ऊपर ज़्यादा अच्छी लोकेशन है। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया हमने, फोटोशूट वगैरह कर लिया। आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, सचिन चैनल सेवन आईडी है मेरी। सो वहाँ पे आपको फोटोशूट देखने को मिलेगा। सो अब चलते हैं। वो देखो, हमारा एक गैंग मेंबर डांस कर रहा है। कच्चा बादाम। सो अब चल रहे हैं यहाँ से, ठीक है गाइस? तो हम नीचे चल के मिलते हैं आपसे सीधा बाइक पे। सो गाइस, फाइनली वी आर बैक, एंड ये हमारी बाइक जो की पार्किंग में लगी थी। सो मैं कैमरा हेलमेट में माउंट करता हूँ। मैं छोटा सा बच्चा इतनी जोर से चिल्ला रहा है। सब चलते हैं, पैक करते हैं और गार्ड्स वगैरह पहनते हैं और निकलते हैं। सो गाइस, अब चल रहे हैं यहाँ से, लेट्स गो। आ जाओ, यहाँ पे चढ़ाई बहुत है यार, मैकलोडगंज में ना। अब देख लो, आप तो शायद कोपरा जस्टिस नहीं कर पा रहा हो, बट चढ़ाई नेक्स्ट लेवल है यहाँ की। ओ भाई साहब, ट्रैफिक। ओ भाई, यहाँ पे बिल्कुल सेफ चलना पड़ेगा, बिल्कुल बच्चों, मतलब आराम से, मतलब किसी से ज़रा से भी टच हुए ना तो या तो खुद गिरोगे या तो उस बंदे को गिराओगे, इसलिए बिल्कुल सेफली आराम से। तो यहाँ पे कुछ सामान लेना है तो रुकते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह नहीं है एक्चुअली। फाइनली वी आर इन चर्च, जो कि हमने थोड़ा सा फोटो शूट कर लिया है, एंड अब वापस आ रहे हैं। महाजन जी, कैसा लगा आपको चर्च? काफ़ी अच्छा। व्हाट इज दिस? अच्छा लगा। सो वापस चल रहे हैं गाइस। सो बारिश लगने से पहले वापस, बाकी होगा कोई नहीं पता, बाकी भी आ रहे हैं। सो बारिश लगने से पहले हम पहुंच जाएं घर तो अच्छा है। सो पहले तो मैगी खाएंगे, उसके बाद फिर चलेंगे घर। हाँ। सो हियर वी गो अगेन, यहाँ से चर्च से। तो आगे पकड़ते हैं इनको। महाजन जी अपने फुल फॉर्म में, एलएस को डाल के वो देखिए।
भाई साहब भाई साहब, आगे सारे आगे सारे। बहुत खतरनाक था ये तो।